US embassy interview. As you all know, many students are applying for US study visa. तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे some do's and don'ts in US embassy interview. जैसे कि आपको पता है कि फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, तो फेस टू फेस इंटरव्यू में आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मेक श्योर आप अपना बॉडी लैंग्वेज करेक्ट रखें, करेक्ट पोस्चर, ये ना हो कि आप वहाँ पे लेजी साउंड करें. दूसरा, आपको टाइम से पहुँचना चाहिए क्योंकि कंसुलर ऑफिसर के पास सबके लिए लिमिटेड टाइम होता है. तो आप अगर लेट होते हैं तो आपको इसके लिए खुद ही पेनल्टी देनी होगी क्योंकि आप पहुंच नहीं पाए टाइम पे और नेक्स्ट कैंडिडेट का टाइम था. तो पहले तो आप टाइम से पहुंचे, कभी भी लेट नहीं होना. दूसरा, अपनी बॉडी लैंग्वेज करेक्ट रखनी है. तीसरा, असर्टिव एंड पॉजिटिव एटीट्यूड लेके जाना है. पहले ही अगर आप पॉजिटिव होंगे ऑफकोर्स तो आप वैसी ही वाइब्स दूसरे को देंगे. ये नहीं कि आप वहाँ नेगेटिव हो रहे हैं कि मेरे आगे वाले का वीज़ा रिजेक्ट हो गया है तो पता नहीं ये ऑफिसर बड़ा रूड साउंड कर रहा है, ये पता नहीं मुझे वीज़ा देगा कि नहीं. नहीं, आपका अपना परफॉर्मेंस है, आपका अपना प्रोफाइल है, तो दूसरों की वजह से आपने नेगेटिव नहीं होना. आपको अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होते हैं. आपको भी पता है आपके पास ट्रांसक्रिप्ट, सर्टिफिकेट्स, जो फॉर्म्स होते हैं, I-20, ये सब लेके जाना है, पासपोर्ट एंड ऑल. तो ये ना हो कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी करना भूल जाएं. फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ऑफिसर आपको सिर्फ फाइनेंशियल्स पे ही फोकस करके इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं. फिर अगर आप कहते हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आपके लिए नुकसान ही करेगा. तो आपको जब पता ही आपकी इंटरव्यू है तो प्लीज़ कैरी ऑल द डॉक्यूमेंट्स. नर्वस नहीं होना, टू मच नर्वस नहीं होना, बहुत काम रहना है. लेकिन आपको भी पता है कि माइक लगा होता है तो आपको बहुत लाउड और बहुत स्लो भी नहीं बोलना. आपको नॉर्मली रखना है अपना वॉल्यूम. ये नहीं कि आपको आप वहाँ पे एकदम से बहुत तेज बोलने लग जाएं, ऐसा लगे कि आपको पैनिक अटैक आया हुआ है, या फिर आप इतने स्लो कि उसको ऑफिसर को आपकी बात ही ना समझ आए. अगर आपको ऑफिसर का कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो यू कैन आस्क देम टू रिपीट, यू कैन से पार्डन. ओके, वो अपना रिपीट कर देंगे, ये आपके लिए ही है. गलत आंसर देने से बेटर है आस्क देम टू रिपीट. नेक्स्ट जो पॉइंट है, डोंट मग अप आंसर, डोंट चैंट देयर. आपको ऑलरेडी पता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछने हैं. पता चला आप इतनी ग्रामिंग कर गए कि वहां जाके आपने एकदम से बोलना शुरू कर दिया और एक ही तरह टाइप का, कोई आपको लो हाई पिच जा ही नहीं रही. आप एकदम से जैसे क्रैम्ड हम रीडिंग करते हैं, तो मेक श्योर आप ऐसा भी ना करें. बी नेचुरल. अगर आप नेचुरल साउंड करेंगे, स्पॉन्टेनियस होंगे, तो ही आपको वीजा के चांसेस ज्यादा हैं. जैसे कि मैंने आपको कहा कि डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स गाइस आपको कब दिखाने हैं उन्हें? व्हेन दे आस्क. कई बार वो क्या करते, जैसे आपसे उन्होंने पूछा कि आपने इंग्लिश टेस्ट दिया है, तो आपने बोला मैंने आयल्स किया है, तो उन्होंने बोला कैन आई सी, देन आपको TRF की कॉपी शो करनी है. या वो पूछे फाइनेंशियल, प्लीज शो मी योर स्पॉन्सर्स बैंक डिटेल्स, तो ही शो करनी है. ये नहीं कि आप आंसर देते हुए हेयर इज द डॉक्यूमेंट, हेयर इज द डॉक्यूमेंट करने लग जाएं. डोंट पुश योर डॉक्यूमेंट्स. जब तक वो मांगे ना, डॉक्यूमेंट्स नहीं देने. अब जैसे कि उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट मांगा, आपको दिखाना है, लेकिन डॉक्यूमेंट आपको प्रेजेंटेबल ही लेके जाने हैं. ये नहीं कि वो टॉर्न हो या क्रश्ड हो, फिर आपका इंप्रेशन सही नहीं पड़ेगा. अब मैं आपको ड्रेस के लिए कहूंगी, आपको ओवर ड्रेसअप भी नहीं होना. कई लोग क्या करते हैं, ब्लेजर टाई बहुत ज्यादा फॉर्मल बन के जाते हैं. अगर आप स्टूडेंट, हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट F1 वीजा, तो इसमें गाइज आपको स्टूडेंट है तो स्टूडेंट ही साउंड करें. आपका ड्रेसिंग सेंस, हेयर स्टाइल स्टूडेंट वाला ही हो. डोंट ओवर डू. लुक गुड, लुक एक्टिव, बट डोंट ओवर डू. द नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट स्पीक टू मच. जितना आपसे क्वेश्चन पूछा है उतना ही आंसर करें. वहाँ पे ऐसे पढ़ना शुरू ना कर दें. जो कंसुलर ऑफिसर होते हैं उनके पास लिमिटेड टाइम होता है पर कैंडिडेट. आप इतना लंबा आंसर मत करें, टू द पॉइंट बात करें. ये भी नहीं कि बिल्कुल ही कम, लेकिन ये नहीं कि यू स्टार्ट रीडिंग एन एसे. गाइस, जिस भी प्रोग्राम के लिए आप जा रहे हैं, आपको उस प्रोग्राम की डिटेल, यूनिवर्सिटी कॉलेज की डिटेल, सब कुछ पता होना चाहिए. वहाँ पे जाके आपको अपना करियर प्लान क्या है ये भी बताना होता है. ये ना हो कि आपको पता ही नहीं इस कोर्स के बाद व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स यू कैन गेट.
तो फिर आपका ऑफ कोर्स इम्प्रेशन बहुत पुअर जाएगा। तो आपको पहले अपने कोर्स की डिटेल, अपने स्टडी की बैकग्राउंड, फिर आगे आपका करियर प्लान क्या है, ये जरूर पता होना चाहिए। हमेशा ऑनेस्ट रहें। ऑफ कोर्स एम्बेसी के पास आपका सारा रिकॉर्ड है, आपका फॉर्म गया हुआ है। एम्बेसी में जाके कभी भी झूठ ना बोलें, बी ऑनेस्ट, हमेशा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें। अगर आपका फैमिली मेम्बर या रिलेटिव बाहर है तो आपको बताना है, क्योंकि एम्बेसी के पास ऑलरेडी आपका रिकॉर्ड होता है गाइज। अगर आप हाइड करेंगे, ये रादर आपके लिए गलत हो जाएगा। डोंट हाइड फ्रॉम देम, हमेशा सच बोलना है और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है, कंप्लीट फॉर्म्स लेके जाने हैं। जो भी फॉर्म में आपने भरा है आपको पता होना चाहिए। बाद में आप ये ना कहें एजेंट ने फॉर्म भरा था, आपको पता होना चाहिए उसमें क्या इन्फॉर्मेशन गई है। पता चला इन्फॉर्मेशन और है और आप कोई और इन्फॉर्मेशन वहाँ दे रहे हैं, तो ऑफकोर्स उनके पास फॉर्म खुला है वहाँ पर, तो आप सारा आपका गलत हो चुका है। और आगे के लिए मेन बात ये भी है, अगर आपको फर्स्ट टाइम वीज़ा नहीं मिलता तो ऑफिसर का रिमार्क हमेशा आपके लिए पॉजिटिव ही रहे, ताकि जब आप सेकेंड या थर्ड टाइम आए आपको वीज़ा मिल जाए। ये ना हो कि आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे आए और उनका रिमार्क्स आपके लिए पुअर हो जाए, फिर आपको नेक्स्ट टाइम वीज़ा चांसेस कम होते हैं। हमने देखा है कुछ स्टूडेंट सेकेंड थर्ड फोर्थ टाइम भी वीज़ा लाए हैं, तो आपको वहाँ पर अपना इम्प्रेशन सही छोड़ना है। लास्ट में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात कहूँगी, इनकेस वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं तो भी आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, क्योंकि आपने नेक्स्ट टाइम अप्लाई करना है। वो भी आपसे कहते हैं अप्लाई नेक्स्ट टाइम। तो आपके पास एक मिनट है कि आप उनसे पूछें कि मैम या सर काइंडली टेल मी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड रिजेक्शन। ये आपको कोई नहीं बताएगा गाइज, ये बहुत बेनिफिशियल रहता है ये कहना, लेकिन पोलाइट मैनर में। आर्गूमेंट नहीं करना कि उन्हें सिक्योरिटी बुला के आपको निकालना पड़े। आप वहाँ कह सकते हो काइंडली टेल मी द रीजन बिहाइंड रिजेक्शन सो दैट व्हेन आई अप्लाई नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर ऑफ इट। ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, उनको सेकेंड टाइम में गाइज वीजा मिला है, क्योंकि उन लोगों ने फर्स्ट टाइम में उनसे पूछ लिया और उन्होंने बोला योर फाइनेंशियल्स आर नॉट स्ट्रांग, योर फीस इज हाई और यू हैव नॉट क्लियर्ड इंग्लिश एग्जाम और आई डोंट थिंक दिस कोर्स इज रिलेटेड टू योर प्रीवियस स्टडीज, सो दे नो द रीजन बिहाइंड देयर रिजेक्शन। तो गाइस ये ध्यान रखें, ये आप कह सकते हैं उन्हें बट इन पोलाइट मैनर, डोंट स्टार्ट आर्ग्यूमेंट, फिर वो सिक्योरिटी बुला के आपको निकालेंगे। ऑफकोर्स फिर आपके रिमार्क्स भी पुअर हो गए, फिर आपको नेक्स्ट टाइम भी मुश्किल होती है। तो मेक श्योर इस बात का आप ध्यान रखें। तो आई होप इस वीडियो से आपको पता चल गया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना US एम्बेसी इंटरव्यू में, क्योंकि ये फेस टू फेस इंटरव्यू है, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन US इंटरव्यू एंड हाउ टू हैंडल दैट, क्योंकि हर कैंडिडेट के लिए भले ही क्वेश्चन सेम है बट आंसर आपके सबके अपने होने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग आवर चैनल।